can say linkage mapping. तो अगर हम एक सेल को देखें जो कि जस्ट गैमीट फॉर्मेशन करने वाला है, तो उस सेल के पास क्या प्रेजेंट होगा? उस सेल के पास प्रेजेंट होगा एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर, ठीक है. अब ये जो सेल है ये अंडरगो गया किसके? मियोसिस के. तो मियोसिस जब ये करेगा तब क्या फॉर्म होंगे? तब फोर टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म होते हैं. ये सब बिल्कुल बेसिक बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगी है. तो इसमें क्या होंगे? इसमें ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाएंगे और इन फोर गैमीट्स में बट जाएंगे. तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ ब्लू कलर और इसको भी कर देती हूँ ब्लू कलर, क्योंकि यहाँ पे दो है ब्लू कलर के. अब इनमें समझो दो जीन्स प्रेजेंट है जिनको मैं कंसीडर कर रही हूँ. यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल ए और एक प्रेजेंट है कैपिटल बी. तो ये इसका सेम होगा, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगी? कैपिटल ए कैपिटल बी. और यहाँ पे इस आर्म पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल बी. तो अगर इन गैमीट्स में सेम ऐसे ही कंडीशन आ गई, मतलब यहाँ पे पर्पल वाले के पास प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी, इस पर्पल वाले के पास भी है कैपिटल ए कैपिटल बी, जैसे इसके ऊपर होमोलॉगस क्रोमोसोम में पर्पल वाले के पास क्या प्रेजेंट है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी. तो ये कैसा हुआ? ये बिल्कुल पेरेंटल टाइप हुआ. वैसे इसमें क्या प्रेजेंट है? स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसमें भी क्या प्रेजेंट है? स्मॉल ए और स्मॉल बी. तो ये जो चार गैमीट्स बने ये बिल्कुल पेरेंटल टाइप है. कैसे? ये बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे. इनमें कोई चेंज आया क्या? क्या कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आया या स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आया? हमें एक भी कंडीशन दिख रही है ऐसी? नहीं दिख रही ना. सब कैसे? सेम एज दैट ऑफ पेरेंट्स. तो हमें इनमें क्या बोलेंगे कि ये कैसे है? ये है पेरेंटल टाइप. ये कैसे हो गए? पेरेंटल टाइप हो गए. तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है कि सारे गैमीट्स पेरेंटल टाइप है, तो हम बोलेंगे कि उस मियोसिस में क्या हुआ है? उस मियोसिस में नो क्रॉसिंग ओवर हुई है, कोई क्रॉसिंग ओवर उस मियोसिस में नहीं हुई है. अगर हम दूसरी कंडीशन ले जिसमें क्या होगा? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है. तो अगर मैं इस कंडीशन को लेकर चलूं तो कैसे गैमीट्स बनेंगे हम ये देखते हैं. ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाली जो सिस्टर क्रोमैटिड है और ये वाली जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों तो क्रॉसिंग ओवर जाती नहीं है, हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. तो ये दोनों तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी. ओके, अब ये जो दोनों है, ये दोनों क्या चली गई? ये दोनों चली गई क्रॉसिंग ओवर, यानी कि इन्होंने अपना यहां से स्ट्रैंड क्या है? एक्सचेंज कर लिया. तो यहां पे अब कंडीशन क्या आ जाएगी? यहां पे अब कंडीशन आ जाएगी कि ये जो नीचे वाला स्मॉल बी था वो कहां चला गया? इसके पास चला गया. तो यहां पे क्या आ जाएगा? स्मॉल बी और ऊपर स्टिल क्या प्रेजेंट है? कैपिटल ए प्रेजेंट है. और यहां पे क्या कंडीशन आ जाएगी कि ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल ए और नीचे क्या आ गया? कैपिटल बी आ गया. तो मैंने इन दोनों गैमीट्स में क्या देखा कि ये जो दो गैमीट्स हैं ये पेरेंट्स से नहीं मिल रहे हैं, ये पेरेंट्स से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल सेम नहीं है. तो इनको मैं क्या बोल दूंगी? इनको मैं बोल दूंगी रिकॉम्बिनेंट. दोनों को क्या बोल दूंगी मैं? इन दोनों को बोल दूंगी मैं पेरेंटल. ये दोनों कैसे हैं? पेरेंटल गैमीट्स हैं. और ये दोनों कैसे हैं? रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स. मैंने क्यों कहा इनको रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स? क्योंकि इनके पास जो जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम पे वो अलग है. यहां पे क्या था? कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन यहां पे क्या आ गया? कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है. तो दो टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, आइदर पेरेंटल टाइप और आइदर रिकॉम्बिनेंट टाइप. भले ही क्रॉसिंग ओवर हो भले ही क्रॉसिंग ओवर ना हो, हमेशा पेरेंटल गैमीट्स तो बनेंगे ही बनेंगे. रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स तभी बनेंगे जब क्रॉसिंग ओवर होगी, अगर नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स नहीं बनेंगे. इससे मैं बोल सकती हूँ कि हमेशा, ध्यान से सुनना, हमेशा जो पेरेंटल गैमीट्स हैं उनका नंबर रिकॉम्बिनेंट गैमीट से ज्यादा होगा, जनरली जो है ज्यादा होगा, रेयर केसेस में उनके बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी कम नहीं होगा, कम नहीं हो सकता. क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड तो क्या करेंगे? ये दोनों स्ट्रैंड तो हमेशा ऐसे के ऐसे ही आएंगे पेरेंट्स के. ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड जो दूर दूर प्रेजेंट है कभी भी रिकॉम्बिनेशन में नहीं जाते.
अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये सब क्यों देख रहे हैं इस टॉपिक में। हम ये सब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर ये जो दो क्रोमोसोम है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जा रहे हैं, यानी कि ये दोनों जो जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों जीन्स क्या है? अनलिंक्ड जीन्स। ये दोनों जीन्स क्या होंगी? अनलिंक्ड जीन्स होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों जीन्स है इन्होंने क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेशन शो कर दिया। अगर आपको अनलिंक्ड जीन्स के बारे में नहीं पता, क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं पता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख लीजिए और उसी के बाद आप इस टॉपिक पे आइए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो ये कैसे अनलिंक्ड जीन्स? अगर लिंक्ड जीन्स होते तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, ठीक है? तो अब हम इस क्रॉसिंग ओवर को यूज करके, और वी कैन से क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी को यूज करके फाइंड आउट करेंगे मैप डिस्टेंस बिटवीन दीज टू जीन्स। इन दोनों जीन्स के बीच में, यानी कि ए और बी जीन्स के बीच में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मैप डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्या यूज करके बच्चे? यूज करके क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग या लिंकेज मैपिंग। कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी यूज करके आपने क्या फाइंड आउट किया? मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, ठीक है? और अच्छे से समझते हैं, समझो। ये तो जो दोनों जीन्स है, ए और बी दोनों जीन्स है, इनके में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 10%। यानी कि क्या है इनमें? 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दोनों 10% रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे, ठीक है? अगर 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हुई तो मैप डिस्टेंस कितना होगा? मैप डिस्टेंस होगा 10 cm, दैट इज सेंटीमॉर्गन, या फिर मैप यूनिट इज इक्वल टू द मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस कितना हो गया? ये दोनों यूनिट है, ये है सेंटीमॉर्गन और ये है मैप यूनिट। कितना हो गया? 10 cm और 10 mu। तो मैं बोल सकती हूँ जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा मैप डिस्टेंस, और जितनी कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना कम मैप डिस्टेंस। अगर यहाँ पे 30% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी तो मैप डिस्टेंस कितना होगा? 30 cm। अगर यहाँ पे 60 होगी तो फिर 60 cm। तो जैसे जैसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? वैसे वैसे मैप डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसको यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मैप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जीन मैपिंग। सो नाउ इफ यू सी द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, कि कितने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। ये जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर पाओगे, और इस रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाओगे किसी दो जीन के बीच। इसको स्टार मार्क कर लेना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है? बात प्लस अगर हम बात देखें एक रिकॉम्बिनेशन होने के लिए, तो उसमें जरूरी है कि जो पेरेंट्स है वो हेट्रोजाइगस हो, यानी कि पेरेंट्स के पास अगर एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम पे अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्रॉसिंग ओवर होगी और डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे और उसी से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे। यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तब कैपिटल ए स्मॉल बी बनेगा और स्मॉल ए कैपिटल बी बनेगा, जो कि पेरेंट से डिफरेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुई है? रिकॉम्बिनेशन हुई है। अगर कंडीशन में ऐसा दे दिया जाए कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी, और इन दोनों को हुआ क्या? क्रॉसिंग ओवर। तो क्या होगा? यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी बनेंगे, क्योंकि सेम ही है ना, डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे भी स्मॉल बी है, यहाँ पे भी स्मॉल बी है, यहाँ पे भी स्मॉल ए है, यहाँ पे भी स्मॉल ए है।
तो कोई डिफरेंट नहीं है होमोजाइगस कंडीशन में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स जो हेटेरोजाइगस हो तभी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो पाएगी और तभी हम उसको अप्लाई कर पाएंगे जीन मैपिंग के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या गिवन है कि दो पेरेंट्स है, एक फादर एक मदर है, जिनका जब फर्टिलाइजेशन हुआ तब उनसे F1 जनरेशन बन चुके। ठीक है, इनके गैमेट फॉर्म हुए, गैमेट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन बन गई। जब इस F1 जनरेशन का हमने टेस्ट क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया, तब उससे जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं वो टोटल नंबर में 1000। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना है कि 1000 नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, जिनमें से पेरेंटल है 800 और रिकॉम्बिनेंट है 200। हमें क्या बताना है, हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए जीन एंड बी जीन, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत में हम पूरे स्टेप्स लेकर चलते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। अब हमने इनको लिया, हम बना लेते हैं इनका सेल। ये एक है उसपे प्रेजेंट होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे होमोलॉगस पे क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। वहीं पे इसमें क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और इधर क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। सही बात है, ऐसे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मैंने इस कैपिटल ए कैपिटल बी को साथ ही क्यों लिया, यहां पे ये वाली कंडीशन गिवन थी तो मैंने कैपिटल ए और स्मॉल बी को एक ही क्रोमोसोम पे क्यों नहीं लिया। ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा जब आप CSIR को क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने पेरेंट को देखा, पेरेंट में क्या गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, यानी कि मैं समझ गई कि यहाँ पे जो फादर की साइड से कैपिटल ए कैपिटल बी आया है और मदर की साइड से स्मॉल ए स्मॉल बी आया, तो इन जब क्या जब ऑफस्प्रिंग बना है तो ऑफस्प्रिंग कैसा बना है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको कैसा लिया ऐसा लिया और कैपिटल ए स्मॉल बी को साथ में लिया। देखिए हम, तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक ए और एक बी, क्योंकि ये क्रोमोसोम कैसा होता है ऐसा होता है, हम एक स्ट्रैंड को ऐसे बना रहे हैं दूसरे को ऐसे बना रहे हैं। ऐसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होगा स्मॉल ए स्मॉल बी। अब यहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन हो क्या कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो ना हो, फर्क कहाँ पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा। तो समझो अब यहाँ पे हो गई रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो गैमीट्स कैसे फॉर्म होंगे, गैमीट्स यहाँ पे फॉर्म होंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा गैमीट होगा कैपिटल ए, और यहाँ पे ये ट्रेन चली, यहां से शुरू हुई थी ट्रेन, चलते 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 कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच के खत्म हुई है, तो क्या आ जाएगा स्मॉल बी। ये पहला गैमीट, ये दूसरा गैमीट। तीसरा गैमीट देखते हैं, यहां से शुरू हुई थी ट्रेन, चलते 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 यहाँ पे मुड़ गया ट्रैक और यहाँ पे आके खत्म हुई है ट्रेन, तो क्या होगा कैपिटल स्मॉल ए चली 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 और कैपिटल बी पे, वही यहाँ पे सीधी ही चल रही है, तो क्या होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। और यहाँ पे जितने भी गैमीट्स आएंगे सारे एक ही टाइप के होंगे स्मॉल ए स्मॉल बी, तो यहाँ पे मैं फोर डिफरेंट गैमीट्स नहीं बनाती। अब हम देखते हैं जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो फोर ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कैसे बनेंगे। पहला ऑफस्प्रिंग अगर हम देखें, चलो इसको मदर को मैं ये वाले को मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर देती हूँ फॉर मोर क्लियरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी, वहां से आया स्मॉल ए स्मॉल बी फर्स्ट ऑफस्प्रिंग। सेकेंड ऑफस्प्रिंग इफ वी कंसीडर कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पे आया स्मॉल ए स्मॉल बी। थर्ड कंसीडर स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये क्या आया स्मॉल ए स्मॉल बी, यहाँ पे फिर स्मॉल ए स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, चार ऑफस्प्रिंग बन गए। अब इन चारों ऑफस्प्रिंग में हमें देखना है कि पेरेंटल टाइप कौन कौन से, यानी कि किसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट और इसके पास स्मॉल ए स्मॉल बी प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ पे देखें इसके पास क्या कैपिटल ए कैपिटल बी और इसके पास क्या स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, तो इसको मैंने क्या बोल दिया पेरेंटल टाइप। इसको अगर मैं देखूं
तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी की जगह क्या आ गया, स्मॉल बी। तो ये कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पे स्मॉल बी के साथ क्या आ गया, कैपिटल बी आ गया, ये कैसा है, रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, बिल्कुल पेरेंट के जैसा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पेरेंट। तो दो यहाँ पे आ गए रिकॉम्बिनेंट, दो यहाँ पे आ गए पेरेंट। अब मैं देखू इन्होंने रिकॉम्बिनेंट का नंबर क्या दिया, यहाँ पे दिया 200। तो ये क्या है, 200, और ये मिला के क्या है, 800। दोनों को मिला के क्या है, 800। तो मैं कंसीडर कर सकती हूँ कि ये कितना है, 400, ये कितना है, 400, ये है 100 और ये है 100। ठीक है, फॉर्मूला लगाती हूँ। मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन, यहाँ पूरा लिख देती हूँ मैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कितने हैं, 200 अपॉन टोटल कितने हैं, 1000 इनटू 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20%। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20%। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 cm, सेंटीमीटर। अब ये वाला जो आंसर था, इस वाले आंसर को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पे इन दोनों का नंबर दिया हुआ था। लेकिन जो एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिससे हमें ये सब करना पड़ेगा, तो अभी हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे कि ये सब करने में हमें कब जरूरत लगेगी, कि हमें ये पूरा जो चार्ट है ऐसे बना के देखना पड़ेगा। तो अभी हमने जो देखा वो था क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स या फिर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स। अगर हम टू जीन्स के बीच में जीन मैपिंग फाइंड आउट करें तो उस टाइप की जीन मैपिंग को हम बोलते हैं जीन मैपिंग बिटवीन टू पॉइंट क्रॉस। या फिर मैं बोल सकती हूँ दो लोकस के बीच में क्रॉस देखना, फिर जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकस के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। या फिर मैंने बोल दिया कि टू पॉइंट क्रॉस यानी कि टू जीन्स के बीच में हम क्या देख रहे हैं, जीन मैपिंग देख रहे हैं। अगर कितनों के बीच में देख रहे हैं, दो जीन्स के बीच में। वही अगर हम थ्री जीन्स के बीच में जीन मैपिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग बिटवीन थ्री पॉइंट क्रॉस। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ अगर मैं बोलूं कि एक क्रोमोसोम है, अब वो जो क्रोमोसोम होगा उसके पास ऑब्वियसली बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो हमने हमने तीन जीन ले लिए, ए बी और सी। इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा इसके पास क्या प्रेजेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो अब यहां पे जैसे पहले के जैसे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, ये हो गई। ठीक है, वहां पे अभी तक हमने क्या देखा था कि सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा था, सिर्फ ऐसे ही दो जीन्स के बीच में हमने क्रॉसिंग करवाई। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे दो जीन्स और प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे एक और क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। यहाँ पे क्या हो सकती है, एक और क्रॉसिंग ओवर, ऐसी क्रॉसिंग ओवर जिसमें दो क्रॉस साथ में हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, डबल क्रॉस। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस बोलेंगे। तो इस अगर हम गैमीट्स देखें, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं फोर गैमीट्स, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, फोर गैमीट्स बन रहे। पहला गैमीट सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं हुई, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, नीचे वाले में भी सेम होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, नो क्रॉसिंग ओवर। अब चेंज किस में आएगा, इन दोनों में आएगा। तो सबसे पहले मैं पहले वाले को कंसीडर करूं, तो यहां से हमारी ट्रेन शुरू हुई थी, चली नीचे उतर गई ट्रेन, फिर चली फिर ऊपर चढ़ गई और ऐसे। तो क्या आया, यहाँ पे आएगा कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। वही दूसरे कंडीशन में क्या आएगा, यहां पे क्या था, स्मॉल ए फिर ऊपर गई ट्रेन, कैपिटल बी और यहां पे फिर से नीचे उतर गई तो स्मॉल सी। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों हो गए रिकॉम्बिनेंट टाइप
ये एक रिकॉम्बिनेंट टाइप है बट ड्यू टू डबल क्रॉस ओवर। और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं पेरेंटल टाइप। अब जब भी अगर हम बात करेंगे थ्री पॉइंट क्रॉस के बारे में तो जरूरी नहीं है कि डबल क्रॉस हो ही हो सकता है ये दोनों जीन्स बहुत ज्यादा पास्ट प्रेजेंट हो तो इन दोनों के बीच क्रॉसओवर नहीं हो, लेकिन ये दोनों दूर प्रेजेंट है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, क्रॉसओवर हो जाए, या फिर वाइस वर्सा कंडीशन हो सकती है। तो अगर हम एक ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें सिंगल क्रॉस भी हो सकता है, उसमें डबल क्रॉस भी हो सकता है। सिंगल क्रॉस ए बी के बीच में भी हो सकता है और बी सी के भी बीच में हो सकता है, और डबल क्रॉस तो तीनों के बीच में ही होगा। ठीक है, ऐसे ये सिचुएशन हो सकती है और जनरली सीएसआईआर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है ऑन द थ्री पॉइंट क्रॉस। हम ट्रिपल पॉइंट क्रॉसओवर को एक एग्जांपल के साथ बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो सेल्स हैं, पेरेंटल सेल्स मेटर्नल सेल्स, दोनों के फर्टिलाइजेशन हुआ, हमें F1 जनरेशन मिली। पहले के जैसे हमने F1 जनरेशन का क्या क्या टेस्ट क्रॉस किया। जब हमने F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस किया था हमें इतने सारे टाइप के गैमेट मिले। अब अगर हम इस पेरेंट को देखें तो ये पेरेंट तो एक ही टाइप के गैमेट देगा, वो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पे तो इन सब के बारे में डिस्कस करके इसके साथ मतलब नहीं, हमें किस पे ध्यान देना, इस वाले पेरेंटल पे ध्यान देना। तो यहाँ पे इतने सारे गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए वो देखते हैं। एक है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और एक है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये दोनों गैमेट्स तो नॉर्मली फॉर्म होते ही हैं, क्रॉसिंग ओवर हो ना हो ये दोनों तो होंगे ही फॉर्म। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ये दोनों जब गैमेट्स फॉर्म करेंगे तब ऐसे वाले गैमेट फॉर्म होंगे। तो ये दोनों तो हो गए पेरेंटल टाइप, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में। अब हमें ये सब देखना है कैसे फॉर्म हुए हम। तो चलो लेट्स सी, यहाँ पे एक मैंने बना दिया सेल जिसमें प्रेजेंट है एक तो ये वाला कलर लेके, ये प्रेजेंट है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ठीक है, अब समझो क्रॉसिंग ओवर हुई सिर्फ और सिर्फ ए और बी जीन के बीच में, सिर्फ ए और बी जीन के बीच में क्या हुई है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो उससे पहला गैमेट जो है क्या बनेगा, किसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है, यहाँ पे आपको लिखना है कि ए और बी के बीच में सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। जब सिंगल क्रॉस ओवर हुआ तो हमें क्या गैमेट्स मिलेंगे, हमें जो गैमेट्स है वो मिलेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, है ना, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी हमें पहला गैमेट मिला। क्यों? क्योंकि ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही थी, पटरी मुड़ गई, पटरी नीचे आ गई और सीधे 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 ऐसे चल पड़ी। वही अगर हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा क्या होगा, पटरी ऐसे चल रही है कैपिटल ए ऊपर गई स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो यहां पे क्या बन जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये दो टाइप के गैमेट्स बन गए, कैसे, सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पे हमने ये वाला जान लिया कैसे बना और ये वाला हमने जान लिया कैसे बना, यानी कि दिस वन एंड दिस वन। नाउ लेट्स मूव फर्दर, अब हम देखते हैं सेम हम फिर से ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब क्रॉसओवर किसके बीच में हुआ, कैप बी और सी के बीच में हुआ, फिर से सिंगल क्रॉसओवर ही है लेकिन किसके बीच में हुआ, बी और सी के बीच में हुआ। अब हम देखते हैं गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, है ना, पहले हम यहां से शुरू करते हैं। तो कैपिटल ए कैपिटल बी पटरी नीचे उतर गई और स्मॉल सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। दूसरा देखिए तो यहाँ पे पटरी ऐसे चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, ऊपर चली गई और ऐसे खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। ठीक है, यही कंडीशन है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। तो हमें ये दोनों भी समझ में आ गए गैमेट्स कैसे फॉर्म हुए। अब हमें देखना है ये दोनों गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे। फिर से हमने एक सेल बनाया, क्या प्रेजेंट था, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी
और प्रेजेंट था कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. ठीक है, दोनों के बीच में क्या हुआ? हुआ इस बार डबल क्रॉस ओवर. इस बार क्या हो गया? डबल क्रॉस ओवर. एक क्रॉस ए और बी के बीच में, एक क्रॉस बी और सी के बीच में, साथ में हो गया. तो इस बार गैमीट कैसे बनेगा हम वो देखते हैं. तो यहां से शुरू हुई थी, स्मॉल ए से नीचे उतर गई, कैपिटल बी पे गई, ऊपर आ गई, स्मॉल सी पे जाके खत्म हो गई. तो पहला गैमीट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी बन गया. ठीक है, दूसरा गैमीट देखिए, तो कैपिटल ए से शुरू हुई थी, स्मॉल बी के पास गई और कैपिटल सी के पास आके खत्म हो गई. ये क्या है? ये स्मॉल सी है. और यहां पे दूसरे में कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी पे आके खत्म हो गई. यहां पे यही चीजें दिखाई हुई है. ठीक है, अब अगर हम देखें, हमेशा याद रखना ये बात, हमेशा अपने दिमाग में रखना. अब आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि ये डबल क्रॉस की वजह से हुआ, ये सिंगल क्रॉस की वजह से गैमीट्स बने. आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि ये सारे जो गैमीट्स आपको दिए होंगे, आपको नंबर दिया होगा, आपको ये वाला कॉलम नहीं दिया होगा, आपको इनको देख के खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सिंगल क्रॉस है, ये डबल क्रॉस है या फिर ये पेरेंटल है. तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसके लिए कि जो डबल क्रॉस वाले होंगे, जो डबल क्रॉस वाले गैमीट्स होंगे भले ही या ऑफस्प्रिंग होंगे, दोनों का नंबर सबसे लीस्ट होगा. लीस्ट, हमेशा कोई भी क्वेश्चन देख लेना, स्टार मार्क करके पॉइंट लिखना है आपको कि डबल क्रॉस ओवर जीनोटाइप इज लीस्ट इन नंबर, इज लीस्ट इन नंबर. तो आपको जब भी लीस्ट वाला दिख जाए ना, आप समझ लेना ये क्या है, ये डबल क्रॉस ओवर की वजह से हुआ. दूसरा स्टार मार्क क्या करना है कि जो मैक्सिमम नंबर वाला होगा उसको देख के ही समझ जाना है कि ये क्या है, ये पेरेंटल है. तो सेकंड स्टार मार्क डाल के आप क्या लिखोगे कि मैक्सिमम नंबर जीनोटाइप इज पेरेंटल. क्या है ये? पेरेंटल. ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल ठीक से ध्यान से आप ये दोनों पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे ना, आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. अभी देखेंगे हम सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन आपको ये दोनों चीजें आप ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए. अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने जीनोटाइप्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दो चीजें पूछ रहा है. फर्स्ट चीज है कि हमें जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है, और सेकेंड चीज है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जीन ऑर्डर क्या होता है? जीन ऑर्डर होता है कि एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो कैसे प्रेजेंट है, ए बी सी ऐसे प्रेजेंट है, या कैपिटल ए सी बी प्रेजेंट है, या फिर बी ए सी प्रेजेंट है, सी ए बी प्रेजेंट है, मतलब इस ऑर्डर में कैसे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना. और उसके बाद फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फाइंड आउट करना. आपको सीएसआईआर में भी बोला जाएगा कि आपको जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना. जब भी जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है तब हमें सिर्फ दो ही चीजें देखनी है. सबसे पहले हमें इस पूरे चार्ट में देख लेना है कि डबल क्रॉसओवर किस में हो रहा है. मैंने वो पहले से ही मार्क करके रखा है, तो अभी हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमें पता है. हमें दो चीजें क्या देखनी है कि जो हमारा पेरेंटल है उसके गैमीट्स, मतलब जो पेरेंटल जैसा गैमीट्स है वो कैसे हैं, और जो डबल क्रॉसओवर वाला गैमीट है वो कैसा है. देखो अभी अगर मैंने देखा पेरेंटल का कैसा है, ए बी सी और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये दोनों कैसे है, पेरेंटल है. मेरे को जीन ऑर्डर नहीं पता, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख के रखती हूँ. और डबल क्रॉस में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और मुझे क्या मिल रहा है, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी. ये दोनों किसके रिजल्ट है, ये दोनों डबल क्रॉस ओवर के रिजल्ट है. ठीक है, अब देखो जब भी मुझे फाइंड आउट करना है जीन ऑर्डर ऑफ द गिवन, तो मैं क्या करूंगी, मैंने देखा क्या है, ये ए बी सी प्रेजेंट है. तो यहां पे मैंने देखा कैपिटल ए
कैपिटल बी और कैपिटल सी में से डबल क्रॉस ओवर में दो कैपिटल कहां साथ हैं? दो कैपिटल कहां साथ हैं? तो मैंने देखा यहां पे कैपिटल बी और कैपिटल सी साथ में, इसका मतलब यहां पे रिसेसिव बी और रिसेसिव सी साथ में है, ठीक है। अगर मैं क्रॉसओवर करती हूँ, डबल क्रॉसओवर करती हूँ, अगर आपने पहली वाले जो मैंने बनाया था उसका स्क्रीनशॉट किया था या अपनी कॉपी में नोट डाउन किया था तो प्लीज आप उसको देखिए, तो उसमें जो मिडल वाला है, जो मिडल वाला है उसका हमेशा एक्सचेंज होता है, जो मिडल वाला है उसका हमेशा एक्सचेंज होता है। मैं फिर से बना देती हूँ, यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, इसमें ये क्रॉसओवर हुआ था तो क्या आया था, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, ये रिजल्ट आया था ना डबल क्रॉसओवर से, यानी कि जो मिडल वाला है वो हमेशा डबल क्रॉसओवर में स्विच हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पे मैंने देखा कैपिटल बी और कैपिटल सी साथ में है, इनमें क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, इससे मुझे पता चल गया कि ये जो स्मॉल ए है ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। ऐसे ये कैपिटल ए है वो क्या प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट हो गया, तो मुझे उससे ऑर्डर मिल गया जीन। ऑर्डर क्या है, कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल सी और स्मॉल ए सॉरी स्मॉल बी स्मॉल ए और स्मॉल सी। मैं कंफर्मेशन के लिए इन दोनों का क्रॉसओवर करवा के देख लेती हूँ, तो क्या आएगा, कैपिटल बी नीचे गया स्मॉल ए ऊपर गया कैपिटल सी, स्मॉल बी ऊपर गया कैपिटल ए नीचे आया स्मॉल सी। क्या मेरे ये डबल क्रॉसओवर से सेम है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल सी, हाँ। तो मुझे पता चल गया कि जो जीन का ऑर्डर है वो क्या है, बी है फिर ए है फिर सी है। तो अब मुझे डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अब मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी बी और ए के बीच में और ए और सी के बीच में, ठीक है। मुझे पहले बी और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और ए और सी के बीच में फाइंड आउट करनी है, तो हम फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। मैं ये सब रब कर देती हूँ, ये सब हमारे इतने काम का नहीं है, और ठीक है। अब मैं पहला देखती हूँ कि मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ बी एंड ए के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग या फिर गैमेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैमेट्स या फिर ऑफस्प्रिंग इनटू 100। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो चार है ये चारों ही सिंगल क्रॉसओवर से बने हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो बी और सी के क्रॉसओवर से बना है, समझ में आई बात। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी इन दोनों का हम क्या मैं कर क्या करके देख लूंगी, क्रॉसओवर करके देख लूंगी सिंगल, यानी कि बी और ए के बीच में, और मैं देख लूंगी उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो उससे रिजल्ट आएगा क्या, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल बी कैपिटल ए और कैपिटल सी, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट कर लेती हूँ कहाँ ऐसी कंडीशन है कि कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल ए और स्मॉल सी प्रेजेंट है, ठीक है। कैपिटल ए नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं है, ये देखो कैपिटल ए कैपिटल सी और स्मॉल बी, ये दोनों कंडीशन कैसी है, सिंगल क्रॉसओवर बी और ए से आई है। तो इसमें नंबर क्या है, 26 और 31, ये कैसे रिकॉम्बिनेंट है, तो मैंने क्या कर दिया 26 प्लस 31 प्लस, जब भी ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही होगी आपको डबल क्रॉस वाले रिकॉम्बिनेंट को तो लेना ही लेना है, भले ही आप बी ए के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करो डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कभी आप ए सी के सी के बीच में भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो, जब भी रिकॉम्बिनेंट की बात आएगी तो आप रिकॉम्बिनेंट किसका किसका लोगे, एक तो उन दोनों का जिन दोनों जीन्स की बात चल रही है, प्लस आपको डबल क्रॉस ओवर का लेना ही लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 7, टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, 1000 × 100 करना, ठीक है। फाइंड आउट करेंगे हम इससे 26 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 57 57 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 63 63 प्लस 7 70। आई होप कैलकुलेशन ठीक है,
अपॉन 1000 × 100, ठीक है। तो यहां से यहां कट हो गया, यहां से यहां इज इक्वल्स टू 7% आ गया, यानी कि कितना डिस्टेंस है, 7 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, किसके बीच में, बी और ए के बीच में। दूसरा मैं फाइंड आउट करती हूँ ए एंड सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में। अब मुझे पता चल गया ये बी और ए के बीच में आके क्रॉसओवर होके हुआ है, तो मैं फिर से सी और ए के बीच में क्रॉसओवर करके नहीं देखूंगी, मुझे यहाँ पे पता है। तो ये कितना है 82, ये कितना है 84, एंड मुझे पता है यहाँ पे 6 + 7 तो आएगा ही आएगा अपॉन 1000। ऐसे इक्वल्स टू फिर से प्लस करना है 80 + 80 160 162 166 172 and 179 अपॉन 1000 × 100। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से नियरली 17.9 cm आना चाहिए, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर ये आ रही मतलब जो भी आएगी वैल्यू वो मैथमेटिकल है, आप कैलकुलेट करके देख लेना इसमें। तो ये आ गया 17.9 और ये आ गया 7। तो अगर मैं एक मैप ड्रॉ करूं तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बी, फिर आएगा ए जो कि इसके पास है, और फिर आएगा सी जो कि थोड़ा दूर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमॉर्गन, ये हो गया 17.9 सेंटीमॉर्गन, और ये टोटल कितना हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा 17.9 + 17 जो कि कितना, प्लस 7 सॉरी जो कि कितना आएगा 20 I guess 4.9, कितना आएगा 24.9 सेंटीमॉर्गन। तो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जनरली CSIR में, और आपको इस पैटर्न के साथ उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पेरेंटल गैमेट्स एंड डबल क्रॉस गैमेट्स, और जब आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको दोनों को कंपेयर करना है। आपको देखना है कि डबल क्रॉस हो गया है तो जीन ऑर्डर क्या है, जो सेंटर वाला है उसको आपको देख के कि कौन सा चेंज हो रहा है उसको देख के आपको फाइंड आउट करना है जीन ऑर्डर क्या है। जीन ऑर्डर को लेने के बाद आप एक एक करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बिटवीन टू जीन्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंगल क्रॉस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा गैमीट्स कौन से हैं, इस टेबल में उनकी वैल्यू देके आपको पुट ऑन करनी पड़ेगी। हमेशा आपको डबल क्रॉस की वैल्यू पुट ऑन करनी है × 100 एंड योर सॉल्यूशन इज हियर। ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे और अगर आपने ये ठीक से कर दिया तो 4 मार्क्स आपके होंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीन ऑर्डर, जिसके बारे में अभी हमने देखा था, लेकिन इससे रिलेटेड एक और अगर क्वेश्चन आए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, हम ये देखते हैं, ठीक है। अगर समझो आपको दे दिया कि ए एंड बी जीन के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो है 5%, और वही जो बी एंड सी है उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 9%। आपको फाइंड आउट करना है जीन ऑर्डर, ठीक है। तो आपको इससे क्या पता चल गया, आपको इससे पता चल गया कि ए बी जो है वो ज्यादा नजदीक है और जो बी सी है वो क्या है, दूर है। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन लगाओगे जिसमें आपने ए लिखा, फिर बी लिखा और फिर सी लिखा, तो यहाँ पे 5 cm, यहाँ पे 9 cm और टोटल हो गया ये 14 cm। एक कंडीशन तो आप ये बना सकते हो, दूसरी कंडीशन आप बना सकते हो सी ए बी, ठीक है, जिसमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 5 cm और बी और सी के बीच में है 9 cm और सी और ए के बीच में है 4 cm। दोनों कंडीशंस बन सकती है ना, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो अब बात आती है कि आपको इन दोनों जीन ऑर्डर्स में से कौन सा जीन ऑर्डर चूज करना है। तो आपको हमेशा वो जीन ऑर्डर चूज करना है जिसमें जो दूर वाले जीन्स है उनके बीच में डिस्टेंस कम से कम हो, यानी कि यहाँ पे 9 cm है, यहाँ पे 14 cm है, कौन सा चूज करेंगे, सेकेंड वाला, क्यों, क्योंकि सी और बी के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है। ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा जितना भी अभी हमने टॉपिक पढ़ा 3.2 पॉइंट क्रॉस या जीन ऑर्डर, इससे जितने भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करके देखेंगे, ताकि ये जो टॉपिक है वो हमारा और क्लियर हो जाए। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच गाइस।